बांसवाड़ा जिले में चुड़ई गांव और कुंडला खुर्द बोरतालाब गांव में दो मासूम बच्चों को गिरवी रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चों के चाचा ने चंद रुपयों के लालच में एक काम किया है और चाचा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खमीरा थाना क्षेत्र की तालाब बस्ती के खुशपाल ने भाई के 8 साल के बेटे कल्पेश थोरी को चंद रुपयों के एवज में गडरियों के पास गिरवी रख दिया। दोनों मामले चौंकाने वाले हैं। हालांकि बांसवाड़ा जिले में साल 2019 में अभी दो मामले खुलकर सामने आए हैं और दोनों ही मामले पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं और इसमें पुलिस ने दोनों मासूम बच्चों को गिरवी रखने वाले दलाल और साथ ही पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ अब भी जारी है। बहरहाल पुलिस ने दोनों मासूम बच्चों को बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा को सुपुर्द भी कर दिया है। खमीरा थाने की पुलिस ने मासूम को गिरवी रखने की सूचना मिलने के बाद मध्य प्रदेश के धार जिले के चाइल्ड लाइन हेल्प वालों से संपर्क किया और यहां का बच्चा उनके पास था। मासूमों को बरामद भी कर लिया गया है। बच्चे गिरवे रखने का ये है कि उनके बजाय ये इनके पते बदले में जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे, तो इस हिसाब से कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, तो इस हिसाब से पिता ने दो पैसों के लिए